जाने जाना रब दा फैसला। लो आ गया अमीनो एसिड का कॉल। जरूर कोई काम होगा उस सेल्फिश लड़की को। फोन तो उठा लो। हाँ जी फरमाइए, क्या तकलीफ है? किधर हो? जल्दी आओ, वेट कर रहे हम तुम्हारा। वो सारे में सर की ना इस। आ रहा हूँ। ओके। ये लॉलीपॉप खाओ और गुस्सा पी जा। प्रोजेक्ट की बात ना होती ना तो घास ना डालता। Oh my God! ये तो पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। बिल्कुल, सिफारिशी पापा की इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो बिल्डिंग बनाई है ना मैंने, ये तुम्हारे काम की बेस पे था। कैसा लगा? ब्रिलियंट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अरे दुआएं दे मुझे, आपकी बेटी का प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट कर दिया मैंने। क्या याद करेंगी अभी? That is great, good. अच्छा anyways, मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारे पास कुछ टाइम होगा? अरे अंकल आप हुक्म करें। एक्चुअली सारम, माहा की शादी सर पर है और मेरा कोई बेटा नहीं, सारे काम अकेले को ही देखने हैं। कैसी गैरों वाली बातें करें अंकल, अरे मैं हूं ना आपका बेटा और पापा की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है मेरे लिए। क्या हुआ है? मैं आता हूं। हेलो जी, नामो खुदा का खौफ करें, मैं केमिस्ट्री प्रोजेक्ट छोड़कर डांडिया प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकती, बाद में बात करती हूँ। ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम्हारे नानो से बात कर रही थी। नानो को छोड़ो नेहा, हम क्या दूसरों के किए हुए शिकार पर तस्वीरें बनवाएंगे? बाय गॉड मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी नेहा, लेकिन तुम उसकी मेहनत पर अपना नाम लिखवा सकती हो, मैं नहीं। और तो मुझे भी बहुत लग रहा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है या मैं मेहनत करने से घबराता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर अपनी दुनिया आप बनाते हैं, मना कर दो, नहीं चाहिए उसकी ये पकी पकाई खीर। क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा काम पसंद नहीं आया? एक्चुअली नहीं, बहुत अच्छा काम है वो, मैं और आदम इस प्रोजेक्ट को ना एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? वो हम जरा आपस में बात करके डिसाइड करें। चलो ना। नहीं श्योर। बाबा प्लीज यहां देखें, मेरी तरफ देखें, ये हाथ जोड़ो मैं आपके आगे, प्लीज माफ कर देना बाबा। अच्छा चलिए मेरी एक फरमाइश पूरी कर दे, ये प्लीज पांव नीचे कर ले प्लीज। तुम लोग मुझे माफ कर दो और इस घर से जाने दो, शायद तुम लोग सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाए। बुरा मत मानना सुल्तान, सेम टू सेम इसी स्टाइल में फुफियां रूठती हैं हर शादी ब्याह के मौके पर। अजीब बात करती है खाला, आपकी बेटी ने मेरी क्रेडिबिलिटी मशकूक कर दी है, वो भी औलाद के सामने एक बेरोजगार की। ये जो तुम कह रहे हो ना क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी हाँ वही, ये तुमने खुद खराब की है अपनी, हमने तो कुछ नहीं किया ईमान से। अच्छा कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में, पहले नौकरी नहीं थी अब इज्जत भी नहीं है, किसी को इस घर में मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है, जा रहा हूँ मैं। क्या जरूरत थी सब बोलने की नानो? आए तो वो भी तो नखरे दिखा रहा है, हाँ हाँ रूठी हुई महबूबा की तरह। पता नहीं कहाँ चले गए होंगे अब। गया होगा उसी डिस्को बुड्ढे के घर जो आजकल चने के झाड़ पे चढ़ा बैठा है, एक प्रमोशनल वीडियो के 20,000 मांग रहा है। नहीं तो मैं भी जा रहा हूँ कुदो मंगल। सो एक्सपेंसिव। अरे अरे काम धंधे पे भी ध्यान दे लो, शादी के चक्रों में अपना बिजनेस ठप करवा लेना। अरे अम्मा वो मेरी सिल्की साड़ी का ब्लाउज देखा कहीं? खुदा का वास्ता बीबी, अब ये ना कह देना सुल्तान ले गया।
अरे अस्तगफरुल्लाह, वो क्या करेंगे मेरे ब्लाउज का? वही जो तेरे ज्वेलरी सेट का किया था। अब ये भूलने की बीमारी के साथ साथ वहम की बीमारी ना लाहक कर लेना अपने ऊपर। ये सुल्तान कहाँ गए हैं? अभी निकला बाहर, बेनत ने बैल की तरह भू भाव करता हुआ। अच्छा, मगर आप क्यों ऐसे जली सड़ी बैठी हैं? पूरे शहर में शादियों का सीजन चल रहा है, मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं है। मक्खियाँ भिनक रही है मेरे बिजनेस पर। लोगों की तीन तीन चार चार शादियाँ हो रही है, यहाँ कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कौन सी खलाई कुवत है जो सारे रिश्ते करा रही है। अच्छा माँ, तो आप तो बोलती बहुत है। हाँ, और तू भूलती बहुत है। हाँ, नहीं तो तूने देखा था सर के सामने कैसे जता रहा था हमें? हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन लेकिन क्या? तुम बताओ करना क्या है? तुम सोचो, तुमने ही तो उसको सर सर कह के सर पे चढ़ा दिया। ये बुरी सांसों की तरह ताने देने बंद करो और बताओ करना क्या है। उसे बताने के बजाय खुद इंसान बनो और टॉपिक चेंज करो। ये पकी हुई हांडी ना मैं नहीं खाने वाला। अपना चूल्हा बाद में जलाना, पहले ये बताओ उसके दम के पुलाव को हम कैसे रिजेक्ट करेंगे। साफ साफ कह दो कि हम सेटिस्फाइड नहीं है और हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। लेकिन हमने इतनी वर्किंग की है। किसी चीज की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, या अपनी मेहनत या सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम डिसाइड कर लो। शादी भी सर पे, सब कैसे होगा? मैं मैनेज कर लूंगा, तुम बस प्लीज उससे जान छुड़वा दो। अच्छा, जाती हूँ। तो जाओ, जा क्यों नहीं रही? जा रही हूँ, सबर करो। तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? जाकर उसका मैरिज प्रपोजल तो नहीं रिजेक्ट करने वाली ना? खैर, वो तो मैं कभी भी रिजेक्ट ना करूँ। बहुत डैशिंग है। चल चल झूठे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक ससा। लेकिन सुल्तान भाई, मैं मामू की वेस्पा आपको कैसे दे दूं? भाभी, कौन सा सर पे उठा के देना है, बस चाबियां दे दे अंदर से। हाँ, पर उनसे पूछे बगैर, वो घर पे नहीं है ना, कहीं बाहर गए हुए। मामू कौन सा मुल्क से बाहर गए भाभी, जो उनसे पूछा नहीं जा सकता, और मैं कौन सा पहली बार लेने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप अंदर आए ना। वालेकुम सलाम बेटा, जरा दादू को फोन लगाना, कहना कि सुल्तान वेस्पा लेने आया, अगर इजाजत हो तो ले जाऊँ। वो करीबी मेडिकल स्टोर जाना है, सर में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है। आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप ले जाए इसे। नहीं नहीं नहीं, भाभी को बड़े तहफ़ुज़ात हैं नई रिश्तेदारी के बाद। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सुल्तान भाई, आप बेशक ले जाएं, मैं बता दूंगी मामू को, ऐसी कोई बात। उड़ा कर तो नहीं ले जा सकता, अगर चाबियां ला दे अंदर से। मैं लेकर आती। भाभी वैसे ये बेएतबारी जो है ना, कोई अच्छी चीज नहीं है। सुल्तान भाई ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल मामू जो है ना, अपनी चीजों के बारे में बड़े टची हैं। तो जब सबसे कीमती औलाद ही दे दी है, तो फिर छोटी मोटी चीजों पे क्या टची होना। लाओ लाओ बेटा, वैसे ये पेट्रोल तो इसमें मेरा ख्याल होगा ही ना, कहीं रस्ते में खड़ी ना हो जाए, एक दफा देख लूं क्या हर्ज है। ठीक है ठीक है, मैं जाऊं। जी जी। Are you sure, Neha? I'm 100% sure. तो ये तुम्हारा डिसीजन है या फिर आदम का? हम दोनों का है। एक मिनट, नानो को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हेलो, साशा बता रही थी तुमने मेडली सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई हुई है, जरा वो तो भेजो अभी। नानो, मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? बिजी? अरे सारा दिन ऐसे फुदकती रहती है, हमारे लिए बिजी नया वर्ड सीख लिया इन लोगों ने। एक्चुअली हम दोनों अपना अपना काम करना चाहते हैं। तो आंखें चुरा कर ये बात क्यों कह रही हो? कॉन्फिडेंटली बोलो। इवन मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी। एक्चुअली थोड़ा ऑड लग रहा है, क्योंकि कभी ऐसा किया नहीं है, हमेशा हर मामले में खुद ही मेहनत की है, इसलिए। I respect that. Okay. Thank you. चले मैं अब। Bye. Bye. यार ये तो चील की तरह छपट कर लेगी सारा क्रेडिट। बाहर में जाए कर, शुक्र है कि नेहा के भेजे में बात तो आ गई।
अच्छा चल अब निकलते हैं इससे पहले कि वो नाइट्रोजन बम की तरह मारा है और हम दोनों का भेजा उड़ा दे। तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते। नेहा, मैं घर जा रहा हूँ तो कैन आई ड्रॉप यू? अगर नो थैंक्स, मुझे और आदम को प्रोजेक्ट पे काम करना है। श्योर, गुड लक। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय। चलो यार, नहीं देनी थी बाबा को वेस्पा। कैसे मना करती, उन्हें मेडिकल स्टोर जाना था। नहीं, कहीं लग लगा गई तो दादू परेशान हो जाएंगे ना। इस वक्त परेशान ना मुझे आप लग रहे, क्या हुआ है? हाँ, वो मुझे ना एक रिक्वेस्ट करनी थी। कैसी रिक्वेस्ट? मैं चाहता हूँ मैं अपनी शादी की शॉपिंग ना आपकी पसंद से करूँ। लेकिन मुझे तो इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो कलर्स तो आप मेरे साथ सिलेक्ट कर सकती ना, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वो तो कर लूंगी, लेकिन अम्मी परमिशन ही नहीं देंगी मुझे जाने की। ये क्या बात हुई, उन्होंने पहले तो कभी मना नहीं किया, तो आप तो वैसे भी मेरा हक बनता है। अच्छा, मैं पूछ कर बताती हूँ। हाँ ठीक है। ओहो भाई, क्या गोंग की तरह चिपके चले जा रहे हो। बता तो दिया कि मैंने इंटरव्यू करनी है अपने सोशल मीडिया मैनेजर के लिए ना। तुम मेरे ताया लगते हो, जो तुम्हें डिटेल से बताऊं। बन क्या कर रहे? ये इधर की मिल जाएगी, मिल जाएगी। नहीं, क्या क्या मिल जाएगी? वो बाबा का पता लगा रहा था मैं। हाँ, तुम्हारे बाबा मेंढक बन के पौधों में कूद गए, पता कर लिया? नहीं, वो ये, हाँ पता चल गया। तो फिर अब जाओ। जाओ? हाँ जाओ जी। मियां, तुम्हारे फाइनल गुड बाय हो गए हो तो बाहर से दरवाजा बंद कर दो और जाओ। बाहर से? ठीक ठीक है दादू। हेलो, ईमेल भेजूं आपको अंदर ले जाने के लिए? आइए। इधर आओ, मैं बता रहा हूँ, पकड़ो इसको। पकड़ो। हाँ, अब कहाँ तुम्हारे दोस्त था? इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे 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 अरे, क्यों मारे उसे? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब यही तो लड़का जो सुबह आया था अपने दोस्तों के साथ बैग लेके। अरे छोड़ो उसे बेवकूफ लड़की, क्या कर रही हुई? नहीं 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 नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। ये वही है जो हमारे लंच बॉक्स निकाल के खा जाते हैं। अरे प्लीज, आईना नहीं करूंगा। तुम करके खाओ आईना। छोड़ो 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 छोड़ो, चलो तुम जाओ, उठाओ अपनी चीजें, जाओ। शाबाश, जाओ। क्या ये तुम दोनों लड़कियां हो या दो छुरियां हो? हैं? और तुम्हारी वैन कहाँ है? वैन वाले अंकल को ही कहा था कि मैं यहाँ उतार दें। हाँ, ताकि गली में दंगल कर सको। अब्बा जो हमें छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ज्यादा लेडी डॉन बनने की जरूरत नहीं है। चलो खामोशी से घर जाओ, जाओ। एक मिनट, ये आप मेरी दद्दू का वेस्पा लेकर कहाँ जा रहे हैं? अभी मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ। चलो साशो, चलो। और सुनो, कोई फनकारी करने की जरूरत नहीं है, सीधा घर जाना। अच्छा, आप हमारी दद्दू का वेस्पा ना ध्यान से लेके जाइएगा। चलो, अरे स्कूल में पकड़ेंगे उसे। चलो पॉइंट अच्छे निकाले हैं तुमने। थैंक्स। अब देखो। ग्रेट, ब्रिलियंट वर्किंग यार। अच्छा, अगले दो पॉइंट्स की कैलकुलेशन तुम निकालो। हाँ डोंट वरी, घर जाके निकाल लूंगी। आई थिंक हम दोनों साथ मिलकर ना अच्छी चीज निकाल सकते हैं। कौन हम? हाँ मैं और तुम। हम तुम। तुम्हारा दिमाग खराब है महा? अम्मी सिर्फ एक घंटे की तो बात है। और तुम्हारा बाप जो वहाँ चेक पोस्ट बनकर बाहर बैठा हुआ है, वो तो उनको मत बताइएगा। उनसे बातें छुपा छुपा करना मेरे चेहरे पर फटकार बरसने लगी है। तो क्या करूँ सर, मैं उनको मना कर दूँ? सुकून करो, उन्होंने अभी सारिम को बुलवाया है, थोड़ी देर में वो सारिम के साथ बाहर चले जाएंगे, तो तुम उसके बाद चले जाना।
ये तो बता दो ना सरमत को। जाहिरी बात है, ये तो तुम बताओगी। बहू बहू बाहर मेरी वेस्पा खड़ी थी, वो किधर गई? वो तो सुल्तान भाई लेकर गए हैं ना। क्या भाई, किस खुशी में? कोई दवाई चाहिए थी, उन्हें पास स्टोर तक ही गए। चलता फिरता वो 6 फीट का सुल्ताना डाकू है, मेरी वेस्पा इधर उधर कर दी तो? अच्छा गुमान रखे, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई एक बात उसको अच्छी तरह समझा देना कि शादी के बाद ये मांग टांग का मामला नहीं चलेगा। हमने उन्हें बेटी दी है, बेची नहीं है। अच्छा इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप? ये बहुत दुनिया का लापरवाह तरीन आदमी है, मेरी वेस्पा इधर उधर कहीं मार दी तो क्या होगा? अच्छा देखिए, अब मुंह फाड़ के जवाब नहीं दे सकते, महा के ससुराल का मामला है और ये मेरी वेस्पा का मामला है। उनको तो नेहा चैंपियन ही आके जवाब देगी, उन्हीं की बात समझ में आती है ने? तनी कहां रह गई? कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया? इसमें क्या गलत है? दिन ही कितने रह गए, ऊपर से शादी भी सर पे। तो हमारी शादी थोड़ी है, कभी सोचना भी नहीं ऐसा। तो तुम कौन सी मिस वर्ल्ड हो जो मैं बैठकर फर्स्ट से तुम्हारे बारे में सोचूंगी? एक्सक्यूज मी। हाँ ये करती रहो मेरे पीछे, एक्सक्यूज मी। जी भाई। हाँ भाई साइंटिस्ट, किधर है? घर जा रहा हूँ आपके होने वाली साली यादी घरवाली के साथ। आप कहाँ हैं? अरे वाह, मैं भी अपने होने वाली पूरी घरवाली के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ। ओह महा के साथ शॉपिंग, वेरी नाइस। ओह यस। अरे सुन यार, सारी बातें छोड़ो, बाबा को फोन लगाओ यार, वो दादू की वेस्पा लेके चले गए कहीं पे। तो प्रॉब्लम क्या है, आ जाएंगे वापस? अरे प्रॉब्लम ये है कि वो फोन नहीं उठा रहे मेरा, और दद्दू ने मुझे फोन कर करके हलकान किया हुआ है। तो आपकी कॉल नहीं पिक कर रहे, मेरी तो वैसे उनके साथ नहीं बनती है, मेरी तो जानबूझकर इग्नोर करेंगे कॉल। अरे करो ना कोई, ट्राई करो ना यार, दिखती ना बिजी हूँ मैं। ओके भाई। ओके ओके चले। घुसी जा रही है, घुसी जा, फोन में घुस जा। सड़ू यार, ये देखो पूरे 2 घंटे 15 मिनट 14 सेकंड हो चुके हैं। 15, 16, 17 अबे क्या पहाड़ा शुरू कर दिया तुमने? अगले सेकंड्स गिन रही हूँ दद्दू, मुझे तो लगता है हमारी बसंती की ना बोरी सिलना शुरू हो गई होगी, वो किसी कबाड़ खाने में पहुंच गई होगी। तौबा तौबा करो, इस कसम का मजाक भी खुदा की कसम पसंद नहीं है मुझे। लो शुरू किसने किया, उनको तो उनकी सगी औलाद अपनी सवारी नहीं देती, अम्मी ने कैसे उठा के बसंती दे दी उन्हें? अच्छा मेरा दिमाग खराब मत करो, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है दद्दू। और ऊपर से ये ज़ॉम्बी वायरस कहाँ है, उसे कहें ना सुल्तान अंकल की लोकेशन ट्रेस करे। वो कहाँ है, वो गई हुई है दुश्मनों के घर डांडिया की प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर अगर वो जुआरी वापस नहीं आया, पूरे शहर में ढंडोरा पिटवा दूंगा मैं। अगर महा से पहले अब्बा वापस आ गए ना, तो आने वाला तूफान आपसे भी नहीं संभल पाएगा। तो तुम भी जाओ ना उसके घर, आदम के घर जाके पता करो प्रोडिया वापस आया कि नहीं। अरे तेरे दिल से निकाले, कहाँ भटके, कहाँ पहुंचे? भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा, नहीं चाहिए मुझे सोशल मीडिया मैनेजर, मेरे पास बन कबाब खाने के पैसे नहीं है, समझ नहीं आ रही मेरी बात, लानत है। गए। अरे टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, देख भी लिया तो। अम्मी ने कहा था कि अब्बा को नहीं पता चलना चाहिए। अरे कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, मैं। अरे
भाई साहब यहाँ पे एक लाल रंग का वेस्पा खड़ा था, देखा आपने? अच्छा शुक्रिया। अरे भाई साहब यहाँ पे एक लाल रंग का वेस्पा खड़ा है, देखा आपने? नहीं देखा? चलो ठीक है जाओ। अभी तकरीबन सब शॉपिंग हो गई है, बस एक दो आइटम रह गए हैं। तो शुक्र है यहाँ पे वो मर्दाना आइटम मिल गए हम लोगों को, ये लीजिएगा भाई। थैंक यू, तुमने बहुत ज्यादा हेल्प करवा दिया। इट वाज माय प्लेजर। अजंगल आपने 2 घंटे का कहा था, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हाँ श्योर श्योर, व्हाई नॉट। मुझे तुम्हारी टाइम की पाबंदी बहुत अच्छी लगी। अच्छा थैंक यू, चलो लेट्स गो। ये रेड वाला भी। आप कहाँ चले गए थे? ये लेने। ये क्या है? हमारी जिंदगी के सफर का पहला तोहफा। इट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग डिजाइन। अपनी माँ के लिए खरीदना था तो इसे कम तो हो नहीं सकता। ये आइडल विजन 3 है। Perfectly suitable for you. I love it. लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? क्यों जरूरत नहीं थी, हम शॉपिंग के लिए तो आए हुए थे। वैसे पता है इसके क्या क्या फायदे? क्या है? मैं जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, इसकी बड़ी स्क्रीन पे हम वीडियो कॉल्स किया करें ताकि मैं आपको जी भर के देख सकूं। अच्छा और कुछ? और इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। कम से कम लो बैटरी का बहाना करके मुझे इग्नोर तो नहीं किया करोगे ना? अब समझ में आया मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ आईटेल विजन 3 क्यों सिलेक्ट किया। बिल्कुल समझ आ गई। और जो अभी शॉपिंग की, उसका बिल कौन पे करेगा? आइटल विजन 3। मजाक करो, मैं पे करूंगा। थैंक यू, इट्स द बेस्ट गिफ्ट एवर। पसंद आया? बहुत। अब भाई साहब मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, मैं एक कॉल कर सकता हूँ? शुक्रिया। कभी बहुत है लेकिन मैसेज चाहिए। हेलो हेलो सरमद, मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ। वो मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए मैं किसी और के नंबर से कॉल कर रहा हूँ। यार बाबा कहाँ हैं आप, खैरियत तो है? अरे यार वो फफी चाचा का वेस्पा कोई ले उड़ा है यहाँ से। कहाँ से? यहीं से, सदर से। और कहाँ से? यार देखे ना, इधर उधर कहीं ना कहीं खड़ी होगी। ओ यार 2 घंटे से खाक छान रहा हूँ यहाँ पे, ढूंढ रहा हूँ मैं, तुम बस यहाँ फौरन पहुँचो। हाँ फौरन पहुँचो। आता हूँ फिर। चाचा तो छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे दद्दू की वेस्पा तो गई। दद्दू भी गए? हाय हाय नानो, कैसे लटक मटक कर झटके दे रही अपनी कमरिया को। तुम भी आओ ना, लटको मटको झटको ना, ठुमके लगाओ, बहुत मजा आ रहा है। मैं नहीं नहीं बाजी, नखरे ना करें, आए हमारे साथ डांस करें, लड़के वालों के साथ कंपटीशन है। और वो कंपटीशन मैं और नानो ही जीतेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसी बात है, स्टिक्स लाओ।
मुझे प्रोजेक्ट पर लगा के मेरे खानदान वालों को नचवा रही हो, बहुत खूब। अब तुम्हारे ऐसे का काम भी मैं करूं? तो मुझे तो करने दो, ये क्या डंडे सोटे चलाना शुरू हो गई हो? भाई डांडिया कहते हैं इसे। हाँ जानता हूँ, इसको डांडिया डांस कहते हैं। मुझे काम करने दो। नानो इसे बताएं, मैं तो सुल्तान अंकल का पूछने आई थी, पिछले ढाई घंटे से बसंती लेके गायब है वो। ढाई घंटे? फिर तो इन्नल्लाह पढ़ लो। अल्लाह ना करे, वो काफी देर पहले हमें मिले थे रास्ते में। तो अब कहाँ है? वहाँ ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है दद्दू का। मैं कॉल करता हूँ। बी ए नामा। पूछो भाई। बंद है। एक्सक्यूज मी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। उफ, अब दद्दू नहीं छोड़ेंगे। तभी तो मना किया था, मत दो। अम्मी ने ना मुझे मना भी किया था, लेकिन यकीनन ये हाथन ताई की कब्र पर लात आप ही ने मारी होगी। अम्मी लाते ना तोड़ के दद्दू मेरे हाथों में पकड़ा देंगे। इसे बाबा भी काफी परेशान लगे थे। लो जी सर मुंडाते ओले पड़ गए। अहे अम्मा, नई नई रिश्तेदारी है, पत्नी क्या सोचेंगे वो लोग? सोचेंगे क्या, यही सोचेंगे ना कैसे डेंजरस डाकू लुटेरों में फंस गए, जान छुड़ाओ फ्रॉडियों से। क्या जरूरत थी उन्हें सफी चाचा का वेस्पा लेकर जाने की? आज तक कभी पूछ के उसने कोई वारदात की है जो इस बार पूछता? फोन लगाओ बस तुम बिली को, पता करो आदम से उस बुड्ढे का स्कूटर मिला कि नहीं मिला। अरे उन्हें छोड़े, पहले तो मैं सरमद को पूछूं, मेरे बच्चे बेचारे की तो शॉपिंग बीच में रह गई। हाँ शॉपिंगों को पता कर लो तुम, वैसे बड़ी कोई ठंडी किस्मत पाई है तुम्हारे सरमद ने। फारिग यानी क्या चल रहा होगा कुतुब भाई के घर में? भाई मेरी तरह तू भी बेरोजगार लग रही है। मुझे भी कोई लिफ्ट नहीं कराता, देखो बैठा हूँ यहाँ। मसरूफियत इतनी है मगर करने को कुछ नहीं है। ओरे क्या, कौन? अब वो ओरे आपके है? ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार ये? भाई पता ही नहीं है कुछ बाप का, पता नहीं कब पता करेंगे आके क्या मुसीबत आएगी। वो भी मेरी तरह फारिग है। मामा आप ये क्या क्या नए नए दोस्त बना रहे हैं यहाँ पे, आपका फोन भी बन जा रहा है, आप सारे परेशान है, कहाँ हैं? तो और क्या करता भाई, वो पास वाली दुकान पे फोन चार्ज पे लगाया हुआ है, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे। चलो ये सारी बातें छोड़े, वो बताएं वो वेस्पा किधर है? एक तो बाजार में पहले ही रश था, ऊपर से वो सफी चाचा ने माँ को ही भेज दिया है वेस्पा ढूंढने के लिए। नहीं वो मेरे साथ शॉपिंग पे निकली है। वाह बेटा शाबाश, बाप के लिए किसी फंक्शन के लिए एक जोड़ा तो क्या कभी मोजा भी नहीं लिया, और मंगेतर को लिए घूम रहे हैं। चले ना वो सारी बातें छोड़े, अब चले हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, आदम पहुंचा है वहाँ पे। तुम जाओ बच्ची को घर छोड़ के आओ, मैं थाने जा रहा हूँ, तुम वहीं पे डायरेक्टली आ जाना। आप भी चले ना। अरे नहीं भाई मुझे नहीं जाना, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। चले भाई ताना जाना है, बात बात करते बैठ के। चलो आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। मेरी बसंती, मेरी बीवी की इकलौती निशानी, मेरी जिंदगी वीरान करके कहाँ चली गई? अबे सुल्तान दुनिया की हर शर्त अल्लाह करे तू हार जाए, अल्लाह करे तू नौकरी को तरसे, अल्लाह करे पैसे पैसे को तरसे। आप माने या ना माने, सुल्तान भाई ने वेस्पा बेचकर पैसे हड़प कर लिए। अब इतना भी घटिया नहीं है वो। हाँ अम्मी आपको जरूरत क्या थी वेस्पा देने की? अरे मैं तो मना कर रही थी, ये माहा की बच्ची ने दे दिया। अम्मी पहले भी तो लेके गए हैं वो। गलत बात मत करो माहा, दद्दू ने कभी भी सुल्तान अंकल को अपनी वेस्पा के आसपास भटकने भी नहीं दिया। तो मुझे क्या पता था कि गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे वो। लो जी मैं तो जब से पैदा हुई हूँ कोई भी जिम्मेदार काम उनको करते हुए नहीं देखा। हैरानगी की बात है कि वो आखिर वेस्पा गई कहाँ? आप माने ना माने अब्बा, सुल्तान अंकल हमारी बसंती किसी शर्त वर्त में हार गए और झूठ बोल रहे हैं कोई उठा के ले गया। तुम ये बात कैसे कर सकती हो? तुम्हारे अब्बा का ना सांप का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, भूल गए तुम्हारी भी तो बाइक बेची थी उन्होंने। भाई जरा इसको समझाएं बाबा का मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड। तुम्हें अंदाजा भी है कि दद्दू कितने अटैच है बसंती से? क्या तुमने ये बसंती बसंती लगा रखा है, डायरेक्ट वेस्पा नहीं कह सकती हो? अब्बा मुझे झाड़ने से वेस्पा वापस नहीं आ जाएगी,
अब मिलकर सब फातिहा पढ़ लें। ये लो तुम्हारे दद्दू की वेस्पा की चाबी, कैच। रॉन्ग पार्किंग पे पुलिस वाले उठा के ले गए थे। बेटा तुम लोग बैठो ना, वहां जाके चाय बनाओ इनके लिए। नहीं आंटी, इट्स ओके। आदम, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? बस काम हो रहा है सर। भाई चलें। आप लोग बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं वहां कोई बात नहीं, फिर कभी। सुन लिया तुम्हारा सारा भाषण? तुम्हारी जबान है या खंदक? मैंने क्या किया है? तुम हर काम करके ना यही बोलती हो, मैंने क्या किया है। चलो जी, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मैंने क्या चोरी की है? क्यों दिया तुमने दद्दू का वेस्पा? नेहा बस कर दो, फौरन जाओ सॉरी करके आओ। सॉरी? सॉरी किस बात की? अरे माइंड किया होगा उन दोनों ने। मैं दद्दू को बता कर आऊं कि उनकी वेस्पा मिल गई। हाँ बेटा जाओ, वो अपने गम से तो निकले। हाँ अब तुम बाबा की कोई चीज किसी को नहीं दोगी, समझी? खामखा हर बात का बतंगड़ बनाते हैं वो। बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी दद्दू ने बना दी है। दद्दू बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। क्या? आपकी बसंती मिल गई। चल भाई चल, कहाँ है? अकेली खड़ी है क्या? चल मुझे लेके चल जल्दी। चल भाई चल, चश्मे ये वाले लगाएंगे, ये वाले। चल भाई दोनों लगा रहे। चल चल खबरदार, जो तुमने बाबा को कुछ बताया तो? क्यों ना कहूं, उनको पता होना चाहिए कि वो लोग उनके बारे में क्या समझते हैं। यार तो गलती तो उनकी भी थी ना। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि ये कुतुब महल की शहजादियां सारे पुराने खाते खोल कर बैठ जाएं। मैं तो जरूर बताता हूँ। देखो इस तरह बात बिगड़ सकती है तो इस चीज का उन लोगों को भी सोचना चाहिए था ना। कैसे कह रही थी वो चैंपियन के, जरूर कोई शर्त हारे होंगे। बाबा ने भी तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया ना, वो क्यों नहीं सोच रहे तुम? इसलिए क्योंकि मेरी आंखों पर ना मोहब्बत की पट्टी नहीं बांधी हुई, सीधा सोच सकता हूँ। इंसल्ट किया उन्हें बाबा का यार। क्या क्या चाहते हो तुम? मैं रिश्ता खत्म कर दूँ ये? मैं रिश्ता बेशक ना तोड़े लेकिन अपनी फैमिली की इज्जत करवाए। माफी मांग लेंगे वो। कब? क़यामत के दिन। मैं बात करूंगा ना वहां से। वो भी मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठी हुई थी, रोकती ना उस नाइट्रोजन बॉम्ब को। मैं तो बता रहा हूँ बाबा। आदम, अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी इंपॉर्टेंस है ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। काश आपके ससुराल वाले ना आपको भी उतना इंपॉर्टेंस समझते। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है, समझे? तुम क्यों मुझे जंगली बिल्लियों की तरह घूर रही थी? तुम पे बड़ा असर होता है, इतनी ढीठ हो तुम। मैंने ऐसे कौन सी बोरियां सिलवा दी तुम्हारे ससुराल वालों की जो उनकी शान में गुस्ताखी हो गई? बात गुस्ताखी की नहीं है, तुम किसी के अब्बू के बारे में ऐसे कहोगे ना तो बुरा तो लगेगा ना। ऐसा क्या बुरा कह दिया मैंने? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, उनकी चीज थी, उनका हक था खपा होने का। यही बात मैं भी काफी देर से समझा रहा हूँ उसको, उसे समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों ने अपनी इज्जत का सौदा किया होगा। मैंने नहीं, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। खैर तो है, ये कुतुब का चमचा भिदक के बाप की प्लेट में आ गया। बाप से लाड़ियां हो रही हैं क्या? तभी तो ठीक है। ये सूरज कहां से निकला था? कोई काम तो नहीं, उधार तो नहीं चाहिए मुझसे? हैं, बड़ी अफसोस की बात है बाप। आपकी हरकतें जैसी भी हों लेकिन पूरी दुनिया को हक नहीं दिया हमने बातें करने की। अच्छी 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 बातें कर रहा है, तबीयत काफी खराब है इसकी, मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा हक ही नहीं बनता था ऐसी बात कहने का। तुम्हारा भी हक नहीं बनता था कि तुम दद्दू की वेस्पा दे दो। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सोचने की बात ये है कि ऐसा हमेशा सुल्तान अंकल के साथ ही क्यों होता है। मेरा दिमाग मत चाटो तुम। महा महा मेरी बात। नाक तोड़ दी माँ, क्या मुसीबत है? तुम्हारी नाक टूट ही जाए ना तो अच्छा है। बदतमीज। बाजी क्या हुआ, बोरी सिल गई है आपके नाप की? तुम्हारे इतने दान क्यों निकल रहे हैं? हम लोग मेडले सॉन्ग्स पर प्रैक्टिस कर ले, आपको पता है नानो ने हमें बहुत मजे के डांस स्टेप सिखाए हैं। यहाँ तो सारा घर में तिगनी का नाच नचा रहा है। एक तो इस घर में लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही, शादी की तैयारियां क्या हाक होंगी। बिल्कुल सही बात। किसी बात पर हाथ मिलाओ और निकलो यहाँ से।
से कम एक सॉरी का मैसेज तो करना चाहिए था उसको। किस मुंह से मैसेज करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया। महा आपी ये देखे, ये मास्क लगाकर मैसेज कर ले आप। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ये लगा के मैसेज करूंगी? तो अभी तो आपने कहा था कि किस मुंह से मैसेज करूं। वैसे पर्सनली बड़ा सूट करेगा आप पर। तुम पर भी चढ़ गया स्नेहा का रंग। ये रंग है प्यार का जो छुपाए नहीं छुपता। इधर आना बेटे। आपको मेरा आइडिया सही में अच्छा लगा है? तो निकलो यहां से, चलो निकलो यहां से, निकलो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना अच्छा आइडिया था ना शुक्रे लोग। तुम मिले ना जाने जाना।